नमस्कार, स्वागत है फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इसरो ने फिर रचा इतिहास। आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च। चंद्रयान 3 के बाद इसरो को बड़ी सफलता मिली है। इसरो को वैज्ञानिकों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आदित्य L1 मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के समय वैज्ञानिकों के साथ कई बड़े नेता और अन्य लोग वहां पर मौजूद थे। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च के बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तालियां गड़गड़ाने लगी। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डाटा भेजना शुरू कर देगा। लॉन्च होने के बाद 16 दिनों तक आदित्य L1 धरती के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 ऑर्बिट मैन्यूवर होंगे ताकि सही गति मिल सके। इसके बाद आदित्य L1 का ट्रांस लैरेंजियन 1 इंसर्शन होगा, फिर यहां से उसकी 109 दिन की यात्रा शुरू होगी। गूगल क्रोम उपयोगकर्ताओं को केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। भारत सरकार ने क्रोम उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले संभावित साइबर हमलों के संबंध में चेतावनी जारी की है। भारत में हाल के वर्षों में साइबर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बैंकिंग, खरीदारी और संचार समेत विभिन्न गतिविधियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के साथ साइबर क्रिमिनल लगातार शोषण के लिए कमजोरियां तलाश रहे हैं। गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउजर साइबर हमलों के प्रमुख उद्देश्य हैं। हैकर्स अक्सर उपयोगकर्ताओं के उपकरणों और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए ब्राउजर में सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। भारत सरकार ने क्रोम यूजर्स को संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में आगाह करते हुए एक सलाह जारी की है। यह चेतावनी देश भर में व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में आई है। अपने गूगल खाते के लिए 2FA सक्षम करने पर बदलने वाले हैं व्हाट्सएप का लुक। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप का यूजर इंटरफेस और टॉप ऐप बार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई डिजाइन के रिलीज होने के बाद टॉप बार व्हाइट कलर में दिखेगा। इसके अलावा पूरे ऐप का इंटरफेस ग्रीन होगा। नई डिजाइन की टेस्टिंग एंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.23.18.18 पर हो रही है। हालांकि फिलहाल यह सभी बीटा टेस्टर को नजर नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली साइट WA बीटा इन्फो ने दी है। नए अपडेट के लिए व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नई डिजाइन का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। नई डिजाइन का अपडेट कब जारी होगा इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि हाल में व्हाट्सएप ने HD वीडियो और HD फोटो सेंड करने का फीचर जारी किया है।